डिस्कस अबाउट द पोएम गोल्डन चैन। आज हम गोल्डन चैन ये जो पोएम है स्टैंडर्ड 8 की यूनिट नंबर 4.3 उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। उसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा इन इजी वर्ड्स एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोएम। दिस पोएम गोल्डन चैन इज अबाउट फ्रेंडशिप। गोल्डन चैन जो पोएम है ये दोस्ती के बारे में। इन दिस पोएम द पोएटेस has expressed his her views about the friendship and friendship is compared with golden chain. Friendship को जो है golden chain से compare किया गया है। There are some reasons to compare friendship with golden chain. First one is that golden chain is valuable. Golden chain जो है होती है वो एक valuable चीज होती है, जिस तरीके से friendship भी जो है valuable है। तो हम इसको स्टंजाज बाय स्टंजाज जो है समझने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट स्टंजा ऑफ दिस पोएम इज फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चैन द लिंक्स अवर फ्रेंड सो डियर एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल इज ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर। इन द फर्स्ट स्टंजा द पोएट सेज फ्रेंडशिप इज अ गोल्डन चैन। फ्रेंडशिप जो है लाइक अ गोल्डन चैन, इट इज लाइक अ गोल्डन चैन। द लिंक्स अवर फ्रेंड सो डियर, जो फ्रेंड्स होते हैं, जो डियर फ्रेंड्स होते हैं, अजीज दोस्त होते हैं, तो उनको वो जोड़े रखती है। फ्रेंडशिप जो है वो जोड़े रखती है। एंड लाइक अ रेयर एंड प्रेशियस ज्वेल, फ्रेंडशिप इज लाइक अ ज्वेल, एक जेवर की तरह है, एंड विच इज़ वेरी प्रेशियस एंड रेयर, है ना, जो रेयर है, बहुत नादिर है, कीमती है और प्रेशियस है। इट्स ट्रेजर्ड मोर ईच अदर एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग दैट इट ट्रेजर्ड मोर ईच ईयर, हर साल जो इसकी वैल्यू जो है, ट्रेजर मीन्स खजाना, तो उसका खजाना जो है वो बढ़ता रहता है, इंक्रीज होता रहता है। तो जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जिस तरीके से जो गोल्ड होता है उसकी वैल्यूज बढ़ती जाती है, कीमत बढ़ती जाती है, इसी तरीके से फ्रेंडशिप की वैल्यू जो भी वो भी इंक्रीज होती जाती है। एंड द नेक्स्ट स्टंजा ऑफ दिस पोएम इज इट्स क्लैप्ड टुगेदर फर्मली विद अ लव दैट्स डीप एंड ट्रू एंड इट्स रिच विद हैप्पी मेमोरीज एंड फाउंड रिकलेक्शंस टू। इन द सेकंड स्टंजा पोएटेस सेज दैट इट्स क्लैप्ड टुगेदर फर्मली, क्लैप मीन्स ताली बजाना, व्हेन वी क्लैप अवर टू हैंड्स कम टुगेदर, दे टच विद ईच अदर, है ना, वो जो एक दूसरे को टच करते हैं, क्लैप, जब हम क्लैप करते हैं तो इट्स क्लैप्ड टुगेदर फर्मली, फर्मली मीन्स स्ट्रांगली, मजबूती से। तो फ्रेंडशिप जो है वो दोस्तों को एक दूसरे से जो है वो फॉर्मली मजबूती के साथ क्लैप करती है, जोड़ती है, विद अ लव दैट्स डीप एंड ट्रू। और जो फ्रेंडशिप होती है, ट्रू फ्रेंडशिप, उसका जो लव होता है, मोहब्बत होती है, वो डीप, गहरी होती है, एंड ट्रू और सच्ची होती है। एंड इट्स अ रिच विद हैप्पी मेमोरीज, एंड इट्स अ रिच विद हैप्पी मेमोरीज। फ्रेंडशिप जो होती है उसमें जो मोमेंट्स होते हैं फ्रेंड्स के आपस में, एक दूसरे के साथ खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, लाइफ के जो मेमोरीज होती है उसकी, वो स्वीट मेमोरीज होती है, विच इज़ वेरी रिच, रिच मीन्स वैल्यूएबल, कीमती। एंड फॉन्ड रिकलेक्शंस टू, रिकलेक्शन मीन्स मेमोरीज, यादें जो हम इकट्ठा करते हैं, तो वो जो यादें होती है वो जो जिंदगी में हमारे लिए एक जो उसका जो कलेक्शंस होता है वो बहुत स्वीट होता है, हैप्पी होता है। नाउ द नेक्स्ट स्टंजा इज टाइम कांट डिस्ट्रॉय इट्स ब्यूटी फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, years can't erase the pleasure that the joy of friendship gives. Time can't destroy its beauty. The poet says that as the time passed away, jaise jaise waqt guzarta hai, but it doesn't affect friendship. It's a beauty. Waqt jo hai, time jab jab guzarta hai, to jo friendship ki beauty hoti hai, uski jo khoobsurti hai, usko wo destroy nahi karta hai, उसे वो बर्बाद नहीं कर सकता है, उस पर कोई बुरा इफेक्ट नहीं होता है। फॉर एज लॉन्ग एज मेमोरी लिव्स, तवील वक्त तक, लॉन्ग एज मेमोरीज लिव्स, उसकी यादें जो है वो जिंदा रहती है। यस कांट इरेज द प्लेजर, इरेज मीन्स मिटा देना, साफ कर देना। यर्स, सालों गुजरते हैं, लेकिन ये जो साल गुजरने के बाद भी, इतना वक्त गुजरने के बाद भी, इट कांट इरेज द प्लेजर, प्लेजर उसकी जो खुशी होती है, उसका जो हैप्पीनेस होता है, उसको वो मिटा नहीं पाता है। दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप गिव्स, कौन सा प्लेजर, कौन सी हैप्पी
हैप्पीनेस कौन सी खुशी जो के दैट द जॉय ऑफ फ्रेंडशिप क्यूज, जो दोस्ती की जो खुशी है जो हमें प्लेजर देती है, जो हैप्पी मोमेंट्स देती है, वो ईयर्स गुजरने के बाद भी उसका जो टेस्ट होता है, उसका जो जायका होता है, उसका जो एंजॉयमेंट होता है, वो ख़त्म नहीं होता है, उसे हम महसूस कर सकते हैं, वी कैन फील दैट। एंड द नेक्स्ट स्टंजा, फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट दैट कांट बी बाउट ऑफ सोल्ड, बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड। इन दिस स्टंजा पोएट सेज दैट फॉर फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट। हियर द पोएट सेज दैट फ्रेंडशिप, व्हाट इज फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप इज अ प्राइसलेस गिफ्ट, प्राइसलेस विच डज नॉट हैव प्राइस एनी वैल्यू, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है, जो अनमोल है, एक ऐसा गिफ्ट है फ्रेंडशिप दैट कांट बी बॉट और सोल्ड। एंड फ्रेंडशिप इज लाइक दैट विच कांट बी बॉट, जिसको हम ना खरीदा जा सकता है, एंड कैन नॉट बी सोल्ड, और ना ही उसे बेचा जा सकता है। बट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड, दोस्तों को एक दूसरे को समझना, अंडरस्टैंड करना, इज वर्थ फार मोर देन गोल्ड, उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो वर्थ है, इट इज फार देन गोल्ड, वो गोल्ड से भी ज्यादा है, वो सोने से भी ज्यादा है। एंड द लास्ट स्टंजा पोएट सेज दैट एंड द गोल्डन चैन ऑफ फ्रेंडशिप इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेज्ड टाई बाइंडिंग काइंडर्ड हार्ट्स टुगेदर एज द इयर्स गो पासिंग बाई। इन दिस स्टंजा पोएट सेज दैट एंड द गोल्डन चैन ऑफ फ्रेंडशिप, ये जो फ्रेंडशिप की गोल्डन चैन है, इज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्लेज्ड टाई, स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड ब्लेज्ड टाई, एक रहमत है। टाई मीन्स बांधना, जोड़ना, जो कि जोड़ती है। बाइंडिंग काइंडर्ड हार्ट्स टुगेदर, इट बाइंड्स, जोड़ती है, एक दूसरे से बांधे रखती है। काइंडर्ड हार्ट्स, जो हमदर्द नर्म दिल वाले जो दोस्त होते हैं, वो उन्हें एक दूसरे से वो टुगेदर एक साथ जोड़े रखती है। एज द ईयर्स गो पासिंग बाय, जैसे जैसे साल गुजरते हैं। सो इन दिस पोएम द पोएटेस एक्सप्रेसेस हर व्यूज अबाउट फ्रेंडशिप एंड इट्स वैल्यू इन ह्यूमन लाइफ, है ना, इंसान की जिंदगी में फ्रेंडशिप की क्या अहमियत होती है, एंड इट्स हाउ इट्स मेमोरीज आर वेरी प्रेशियस, वेरी एज दिस मेमोरीज प्रोवाइड्स अस हैप्पीनेस, जॉय, हमको जो है वो खुशी और जॉय फराहम करती है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस पोएम इन अ बेटर वे। अब नेक्स्ट सेशन में इस पोएम के पर अप्रिसिएशन कैसे लिखा जाता है, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे।